दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट है और आप कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो या फिर सारे इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो और आप इंस्टाग्राम कभी नहीं चलाना चाहते हो तो ये काम आप कर सकते हो, या फिर डिलीट करने के बाद आप बाद में भी बना करके चला सकते हो। तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना है। तो इसके लिए सिंपली आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लोगे। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ बॉटम में आपको अपना प्रोफाइल दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के बाद सारा डेटा जो कि आपके इंस्टाग्राम पे है वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप डिलीट करने का पूरा प्रोसेस करोगे उसको करने के बाद इमीडिएटली आपका सारा डेटा इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करता है, एक महीने का समय लगेगा। डिलीटिंग प्रोसेस करने के बाद इन एक महीने में आपको अपने प्रोफाइल को लॉग इन नहीं करना है। अगर आप अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो इस एक महीने में तो आप सिंपल लॉग इन करके अकाउंट को रिकवर भी कर लोगे। लेकिन डिलीटिंग प्रोसेस करने के बाद अगर आप एक महीने तक अकाउंट को लॉग इन नहीं करते हो किसी भी डिवाइस में तो ही आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और एक महीने के बाद आप लॉग इन भी नहीं कर पाओगे। और अभी जो आप डिलीटिंग प्रोसेस करोगे ना, इसको करने के बाद आपका ये इंस्टाग्राम अकाउंट जिसके लिए प्रोसेस कर रहे हो वो आपके सारे डिवाइसेस से लॉग आउट भी हो जाएगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो सिंपली अपने प्रोफाइल में आने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे थ्री लाइन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में मेटा अकाउंट सेंटर यानी कि अकाउंट सेंटर ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप अकाउंट सेंटर में आ जाओगे। अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग में पर्सनल डिटेल्स ये दिखाई देगा, दूसरा ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये तीसरा ऑप्शन दिखाई देता है आपको, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद डीएक्टिवेट और डिलीशन, इस पे क्लिक करना है। फिर अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, डीएक्टिवेट अकाउंट जो कि टेम्पररी होता है, अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट करने के बाद कभी भी आप उसको चालू कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो सिंपल अकाउंट को लॉग इन करके। लॉग इन करने के लिए आप यूजर नेम, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करते हो पासवर्ड के साथ। बाकी अगर आप डिलीट कर देते हो तो 30 दिन तक ही आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाओगे, उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाओगे इस अकाउंट को। तो मुझे डिलीट करना है परमानेंटली। अगर आप डिलीट ना करके टेम्पररी ब्रेक लेना चाहते हो तो डीएक्टिवेट कर सकते हो। डिलीट अकाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू करूंगा। अब आपको एक रीजन सेलेक्ट करना होगा कि क्यों डिलीट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे समथिंग एल्स चूज कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू कर लेना है। अब डिलीट करने के लिए आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड भी इंटर करना होगा। अगर पासवर्ड याद है तो इंटर कर सकते हो, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करके रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी के माध्यम से पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो, नया पासवर्ड बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मुझे पासवर्ड याद है, पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेट लिखा हुआ है, यानी कि इसी डेट को आपका अकाउंट डिलीट होगा और आपके अकाउंट में जितना भी डिटेल है वो इसी डेट को डिलीट होगा। इस डेट से पहले आप अपने अकाउंट को कभी भी लॉगिन करके रिकवर कर सकते हो, इस डेट के बाद नहीं कर पाओगे। डिलीट करने के लिए डिलीट अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट करने के बाद आपका अकाउंट हर डिवाइस से लॉग आउट भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस।